आज की हमारी वीडियो में हम आपको अफ्रीका के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद हर किसी का घबराना तय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ समय में अफ्रीका के बीचों बीच एक ऐसी दरार पड़ेगी कि इसके दो हिस्से हो जाएंगे और बीच में होगा नया समुद्र। भूगर्भ वैज्ञानिक इनसे लगभग 140 से 180 मिलियन साल पहले की घटना से जोड़ रहे हैं, जब पूरी दुनिया की सभी जमीन एक और धीरे धीरे धरती पर हलचल थी और महाद्वीप बनते चले गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धरती की अंदरूनी हिस्सों में लगातार हलचल होती रहती और यही हलचल तय करती है कि ऊपर की तरफ जमीन होगी या फिर पानी या कुछ और। और अब अफ्रीका को लेकर जियोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि वहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। साइंस जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स की एक स्टडी में अफ्रीका की बढ़ने की एक थ्योरी दी गई है। असल में केनिया के नैरोबी नारो हाईवे के पास कई किलोमीटर लंबी दरार आ चुकी। इससे पहले इथियोपिया के अफार क्षेत्र में भी साल 2005 में एक लंबी दरार देखी गई है और ये दरार सिर्फ 10 दिन के अंदर लगभग 56 किलोमीटर लंबी हो गई। भूगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अफ्रीका महाद्वीप के दो हिस्सों में बंटने की शुरुआत है। आमतौर पर ऐसे कई बदलाव में भी बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इन दरारों को देखकर लग रहा है कि यह स्थिति बहुत ही जल्द बदलने वाली। वैज्ञानिकों का कहना है कि अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में टूट जाएगा और इसकी वजह से हमारे हिमालय की तस्वीर में भी बदलाव आएगा। ऐसा किस तरह होगा ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, धरती के अंदर होने वाली इस उथल पिथल को लेकर वैज्ञानिकों ने जो भविष्यवाणी की है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली और परेशानी देने वाली। वैज्ञानिकों के अनुसार टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे खिसक रही और इन हलचलों की वजह से एक दिन हमारी पृथ्वी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। अफ्रीका भारत दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की पपड़ी और ऊपरी मेंटल की बड़ी टुकड़ियां हैं, जो कि धीरे धीरे गतिमान होती। आज के समय में अफ्रीका और भारत दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी इन दोनों की गति बहुत ही धीमी है, लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति 50 वर्ष। अगर इस गति के हिसाब से अनुमान लगाएं, तो अफ्रीका को भारत से टकराने में लगभग 200 मिलियन साल लगेंगे। धीरे धीरे करके अफ्रीका टूटता जा रहा है और एक समय में अफ्रीका लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो जाए। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कि आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले हमारा भारत अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया। इसी तरह अफ्रीका ये टुकड़ा टूटकर भारत से टकराने वाला है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब ये टुकड़ा भारत से टकराएगा तो यहाँ की जमीन बड़े बड़े पर्वतों में बदल जाए और आसपास की जगह में ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाए और वक्त के चलते ये जगह बर्फ की चादर से ढक जाएगी। अगर हम आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले पीछे जाएं, तो हमें हमारा यह ग्रह पूरी पानी से ढका हुआ दिखाई दे। अभी पृथ्वी का जन्म हुए कुछ साल गुजरे थे, जिसकी वजह से इस पानी के नीचे लावा उबल रहा था और धीरे धीरे करके ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने और इस लावा के निकलने की वजह से पानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी जमीन बनना शुरू हो गई थी और कई लाखों साल के बाद पृथ्वी के ऊपर कई जगहों पर छोटे छोटे आइलैंड बन गए। धीरे धीरे करके पृथ्वी के ऊपरी सरफेस भी ठंडी हो रही थी और इस वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह में दरार आना शुरू हो गई थी। इस वजह से धीरे धीरे करके ये सभी आइलैंड एक जगह इकट्ठे हो गए। इस घटना को होने में काफी लाखों सालों का समय लगा। ये आइलैंड कई बार इकट्ठा होने और कई बार अलग हुए और लाखों सालों के बाद ये जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई, जिसे आज के समय में हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और फिर ये पेंजिया महाद्वीप आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले एक बार दोबारा से टूटना शुरू हो गया और इस वक्त भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर अलग हो गए और आकर तिब्बत से टकरा गए। ये टकराव इतना ज्यादा भयानक था जिसकी वजह से तिब्बत और भारत की काफी सारी जमीन दब गई और निर्माण हुआ हमारे हिमालय का। और आज के समय में भी माउंट एवरेस्ट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे भारत की जमीन धीरे धीरे तिब्बत की ओर दबती जा रही। आज के समय में जितने भी देश अलग अलग मौजूद हैं, वो एक समय में सब एक ही जगह स्थित थे और धीरे धीरे करके टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से ये देश अलग अलग हो और अभी भी इन टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ये देश अभी भी अलग हो रहे हैं। और इसी तरह अफ्रीका का ये हिस्सा अफ्रीका से अलग होकर भारत की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि साल 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या के नैरोबी नामक हावे की जमीन रात ही रात फटकर दो हिस्सों में विभाजित हो और ये दरार हर साल बढ़ती जा रही है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफ्रीका की ये ही जगह क्यों टूटी, तो हम आपको बता दें कि अफ्रीका की ये जगह की टूटने का कारण है इस जगह में बना हुआ त्रिकोण आकार। असल में इस जगह पर तीन अलग अलग जमीनें मिलती, पहले न्यूबियन प्लेट, दूसरी सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट। ये तीनों प्लेट्स यहाँ आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से इस त्रिकोण हिस्से का निर्माण
अंदर से निकलने वाले लावा की वजह से, और इसी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखियाँ फूट रही हैं। कई सारे लोग यहाँ रहते भी, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये उनका घर है, ये ठिकाना। ये लोग जिस जगह को अपना ठिकाना मान रहे हैं, असल में उस जगह का अपना खुद का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि लाखों सालों से यहाँ ज्वालामुखियाँ फूट रही हैं। और इन ज्वालामुखियों के टूटने की वजह से इस जगह की जमीन बहुत ही ज्यादा पतली और खोखली हुई, और ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में ये जमीन रहेगी भी या नहीं। इसके अलावा बार बार ज्वालामुखी फटने की वजह से इस जगह पर अक्सर भूकंप भी आते रहते, और इसी वजह से अफ्रीका का ये हिस्सा टूट कर अलग हो रहा है। और भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में जब इस जगह पर दरार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पानी भरना शुरू हो जाएगा और ये पूरी जगह पानी से कवर हो जाएगी। इसके अलावा जब ये जगह पानी से कवर हो जाएगी तो अफ्रीका का ये हिस्सा और भी तेजी से भारत की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस बात की चेतावनी भूवैज्ञानिकों ने पहले ही यहाँ आसपास मौजूद देशों की सरकारों को दे दी है। इसके अलावा जब ये दरार बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उस दरार में से बहुत ज्यादा हानिकारक और विषैली गैसें भी बाहर निकलेंगी, और एक वक्त में ये हिस्सा जाकर भारत के पश्चिमी हिस्से से टकरा जाए। भारत के पश्चिमी हिस्से से मतलब इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों ही देश, जब ये हिस्सा यहाँ आकर टकराएगा तो इन तीनों देशों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस गति से हमारा भारत तिब्बत से टकराया था, उसी गति से अफ्रीका का ये हिस्सा हमारे भारत से टकराता है। भारत के कई सारे शहर और राज्य पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई पर पड़ेगा। समुद्र के किनारे धीरे धीरे करके भरना शुरू हो जाएंगे और भूकंप आने शुरू हो जाएंगे और ज्वालामुखी भी फटना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके अफ्रीका का ये हिस्सा, जिसे सोमाली प्लेट नाम दिया गया है, ये प्लेट भारत के केरल और गोवा तक पहुँच जाएगा। ऊपरी साइड में मौजूद द्वारिका से सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक समुद्र के सभी किनारों पर बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाए, और इन पर्वतों के बनने की वजह से यहाँ का मौसम भी ठंडा हो जाए और यहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। और जब ये बर्फ पिघलेगी तो इस बर्फ के पिघलने की वजह से कई सारी नदियों का निर्माण हो जाए। इन नदियों के बाद यहाँ मौजूद आसपास के हिस्से जंगलों में परिवर्तित होने लगे। इस टकराव की वजह से साउथ इंडिया के टेढ़े होने की संभावना है, और इस टकराव का असर नेपाल और भूटान में भी देखने को मिले। नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में समा जाएगा। इसके अलावा जब ये घटना होगी तब तक टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से भारत के अलावा और भी कई सारे देशों की स्थिति बदल चुकी। देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। धीरे धीरे करके पृथ्वी की सारी जमीन एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, और जमीन की एक जगह इकट्ठी होने की वजह से सभी देशों का वातावरण भी पूरी तरह से चेंज हो जाए। आज के समय में जहां हमारा एशिया मौजूद है वो उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा, और इस वजह से आज हमारे एशिया में जो जंगल मौजूद है वो रेगिस्तान में बदल जाए, और जहां हमारे रेगिस्तान है वो जंगलों में बदल जाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस घटना के होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, अब देखना यह है कि उस वक्त तक वैज्ञानिक इस मुसीबत का कोई समाधान निकाल पाते हैं या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे।